हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो। मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11x है प्लस 5x है, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 11x और 5x कितने हो जाएंगे? 16x। हमने इनको प्लस किया, माइनस 1 वैसे ही उतार लेंगे। फिर है हमारे पास 65x माइनस 36, इसको भी अभी वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इस जो स्टेप था आपने बस इसको सॉल्व कर दिया, इनको प्लस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 16x है तो 16x का यहीं पे रहने दें, 65x को भी यहाँ पे ले आएँ, क्योंकि ये वाला भी x है, ये वाला भी x वाला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 65x यहाँ पे प्लस हो रहा है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस हो रहा है। इक्वेशन के इधर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज होता होता है, तो इधर आके माइनस 65x हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 36 है, इसको यहीं पे रहने देंगे। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस 1 है, इधर माइनस है, तो हम इधर लेके जाएंगे, तो फिर जैसे इसका साइन चेंज हुआ है, प्लस से माइनस हुआ, इसी तरह माइनस से इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कट कर देंगे, 65x में से 16 को कट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पे करें, 65 को ऊपर रखें, 16 को माइनस करें, तो आपके पास क्या आता है, 5 में 6 कट नहीं होता, हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। इधर से कैरी लिया, ये बन गया 5 रह गया, और ये बन गया 15, 15 में से 6 कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये रह गया था 5, 5 में से 1 कट करें तो 4 आ गया, 49 आ गया, हमारे पास 49x आ जाएगा। और बताएं प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्यों आएगा, 65x में से 16 कट किया, 49 आ गया, प्लस माइनस होता माइनस है, साइन वो आता है जो कि बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो 65 बड़ा है कि 16 बड़ा, 65 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो आप यहाँ भी माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब 36 में से 1 कट करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का आ जाएगा, तो 36 बड़ा है कि 1 बड़ा, 36 बड़ा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा दें। और आपको पता है जब दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 49x इज इक्वल टू 35 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, x को यहीं पर रहने देंगे, 35 का 35 आएगा, 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड हो गया, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आई है। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में आता है हम देखते हैं, सिंपलेस्ट हो सकता है मतलब कट हो सकता है, तो उसको कटिंग कर दें एक ही टेबल से। तो आप देखें ये एक ही सेम टेबल से कौन से टेबल से कट होता है, 5 से देखिए होता है, 5 के टेबल में 35 तो आता है, लेकिन 5 के टेबल में 49 नहीं आता, तो 7 का टेबल ऐसा है जो कि दोनों को कट कर देगा। 7 के टेबल में 49 आता है, 7 के टेबल में 35 आता है, 5 जाए तो 7 5 35 7 7 49, तो हमारे पास क्या रह गया, 5 रह गया, ऊपर नीचे रह गया 7, ये फर्दर कट नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू यही आ गई, x का आंसर आ गया 5/7। तो इस तरह हम लोग इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको समझ आ गई अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।